हेलो एंड वेलकम। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 EDM सॉन्ग्स 2017 के कौन कौन से हैं। EDM यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डांस म्यूजिक, तो चलिए देखते हैं। दसवें नंबर पर है फील्स। इसको केल्विन हैरिस की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है और इसमें कैटी पेरी, फरल विलियम्स और बिग शान जैसे आर्टिस्ट को फीचरिंग किया गया है। इस गाने को MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड भी मिला है फॉर बेस्ट कोलैबोरेशन और इसको 26 जून 2017 को YouTube पे रिलीज किया गया है। नौवें नंबर पर है माइक ड्रॉप। BTS के द्वारा इसको गाया गया है और लव योर सेल्फ हर इस एल्बम का ये गाना है। इस गाने को नवंबर 24 2017 को रिलीज किया गया था और ये वाला गाना हिप हॉप म्यूजिक की कैटेगरी में आता है। हमारा वीडियो बनने तक YouTube पर इस वीडियो के लिए 5 करोड़ 20 लाख व्यूज आ चुके हैं। आठवें नंबर पर है पार्टिकल आर्ट्स। इस सॉन्ग को पोर्टर रॉबिन्सन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और जिस एल्बम का ये म्यूजिक है उस एल्बम का नाम है वर्चुअल सेल्फ EP और ये वाला काफ़ी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक है। सातवें नंबर पर है आइलैंड्स। इस म्यूजिक को एक डच DJ, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और एक रिमिक्सर ने प्रोड्यूस किया है जिनका नाम R3HAB है। ये इनका स्टेज का नाम है, असली नाम फादिल अल गो है और एक दूसरे अमेरिकन DJ हैं जिनका नाम है KSHMR। ये इनका स्टेज का नाम है। इनका नाम भी R3HAB की तरह कोई दूसरा है पर स्टेज पे इन्हें KSHMR के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी इस गाने में बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। छठे नंबर पर है नथिंग लास्ट। इस इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक को 28 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया है और इस म्यूजिक को तास्का ब्लैक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ये एक म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं और एक पॉलिन हर नाम की सॉन्ग राइटर और सिंगर हैं। इन्होंने भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक को बनाने में अपना योगदान दिया है। पांचवें नंबर पर है अलार्म। इस म्यूजिक को लुकास एंड क्रोएला नाम के दो म्यूजिक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है और इस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को 1 दिसंबर 2017 को रिलीज किया गया है। चौथे नंबर पर है ग्लैड यू केम। इस म्यूजिक के आर्टिस्ट का नाम है द वांटेड और इसकी एल्बम का नाम है बैटल ग्राउंड और इस म्यूजिक को ब्रिटिश सिंगल का अवार्ड भी मिल चुका है और इस म्यूजिक को एरिया 21 के द्वारा पब्लिश किया गया है। एरिया 21 एक म्यूजिशियन और एक बैंड है और इस म्यूजिक को भी 1 दिसंबर 2017 को रिलीज किया गया है। तीसरे नंबर पर है अनदर डायमेंशंस। इस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को डिलैन फ्रांसिस ने प्रोड्यूस किया है। डिलैन फ्रांसिस एक म्यूजिशियन है और एक दूसरे म्यूजिशियंस हैं जिनका नाम है NGSTMRE। ये अजीब सा नाम है NGSTMRE। इनका भी योगदान है इस गाने को बनाने के लिए। दूसरे नंबर पर है सो फार अवे। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक मार्टिन गैरिक्स और डेविड गेटा द्वारा निर्मित किया गया है और इस म्यूजिक को 30 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया है। पहले नंबर पर है यू। इसको पाइंस के द्वारा निर्मित किया गया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।